ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। यहाँ गाजियाबाद से एस के सिन्हा ने हमें ईमेल भेजा है, इन्हें एजेंट ने ठगा है। मैक्स लाइफ शिक्षा प्लस टू पॉलिसी में इन्होंने निवेश किया है, 50-50 हज़ार के 3 प्रीमियम्स भरे हैं, लेकिन फंड वैल्यू सिर्फ 65 हज़ार ही है और एजेंट ने 14% रिटर्न का वादा किया था। अब ये पॉलिसी लेकर फंस चुके हैं, जानना चाहते हैं कि पॉलिसी कब सरेंडर करें ताकि कम से कम इनके प्रीमियम की रकम इनको वापस मिल सके। तो ये जो फंड वैल्यू बता रहे हैं ये हम थोड़ा रिकनसाइल नहीं कर पाए, तो पता नहीं इन्होंने कौन से फंड में किया है। उनका जो ग्रोथ फंड है, ग्रोथ फंड का परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं रहा, अच्छा नहीं है लेकिन इतना खराब नहीं है। हाई एक्सपेंडिचर शुरू के इयर्स में था, फिर भी इतना कम इनका अगर ये है तो ये शायद या तो कहीं गलती है, तो समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। अब रहा सवाल कि करना क्या चाहिए, तो ये तो 5 साल के बाद ही सरेंडर वैल्यू मिलेगी। अब अगर ये चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू ना करें तो इसका अगला प्रीमियम शायद जनवरी में ड्यू हो रहा है, उसको ना भरें तो 1 महीने बाद ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, फंड वैल्यू एक डिसकंटिन्यूएशन पॉलिसी फंड में चला जाएगा और वो 5 साल जब पॉलिसी के पूरे होंगे उसके बाद आपको वो ब्याज के साथ 3.5% या 4% के ब्याज के साथ वो फंड वैल्यू, उसमें से 4,000 रुपए कटेंगे डिसकंटिन्यूएशन चार्ज, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। इस पॉलिसी से निकलने के बाद कोई और इसी तरह की पॉलिसी में आप इनको सजेस्ट करेंगे निवेश करना? तो मेरे ख्याल से एक पहले सुनिश्चित कर लें कि इंश्योरेंस कितना चाहिए, उसके लिए जैसे हमेशा रहा है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें। फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है फिर वो तो डिपेंड करता है आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगा, डेट में कितना, इक्विटी में कितना, गोल्ड में करना हो तो अगर डेट में करना है तो, अगर लंबी अवधि का है तो पीपीएफ में कर सकते हैं। हाँ। जो एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, मिक्स ना करें। आई थिंक दैट इज अगेन एंड अगेन वही सेम एडवाइस। चलिए इसी के साथ हर्ष पाल पर शुक्रिया आज शो पर आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।